मेंढर के बालाकोट में मुकामी शहरियों ने स्कूलों में तैनात किए गए हेल्परों पर उठाए सवाल, कहा मुकामी बच्चियों को मौका फराहम किया जाना चाहिए को लगाया जाए और एक बात गवर्नर साहब पास जानी चाहिए। अगर हमारी बच्ची को हक है वो हक अगर क्या लिख दिया सरपंच साहब को जैजी साहब को, अगर जैजी साहब गवर्नर साहब बोलते हैं कि जो जिसने एमएलए ने को लगाया है या जेई ने लगाया कोई मुलाजिम उसको हम निकालेंगे। अगर जेडी सो कैसे लगा रहे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो मेरे पास आए तो आई अश्योर देम कि हम इसमें पूरा वेरीफाई करवाएंगे। जेडीओ बालाकोट साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फॉर्म नहीं टाइमली आए हैं, 2 तारीख लास्ट डेट थी हमारे पास। तो एनी हाउ अगर हम देखते हैं कहीं लैप्स है अगर इस पूरे प्रोसीजर में एंगेजमेंट के, चाहे वो नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म एंडिंग तक देखा जाए तो इसमें हम वेरीफाई करवा लेंगे और जस्टिस जो है वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको मिल जाए। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, स्टंट बाइक राइडर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई, दिए गए इंतजाम, कई मोटरसाइकिल जब्त भी किए गए। वीडियो वायरल हुई तो मैंने आधे घंटे के अंदर इस लड़के को मैंने पकड़ के लाया, इसकी बाइक को मैंने सीज किया और इसको मैंने पुलिस स्टेशन जो है अभी पुलिस स्टेशन अंदर है इसके खिलाफ FIR लगा। तो सर और भी जो स्टंटमैन है, और भी स्टंटबाज जो है, मैंने पहले भी बार बार कोई भी स्टंटबाज इस किस्म का अगर कोई पाया गया स्टंटबाजी करते हुए उसके खिलाफ FIR लॉज की जाएगी और उसके मोटरसाइकिल सीज किया जाएगा और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंसिलेशन के लिए। सर इन बच्चों के घर वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को हर बार यही कहूँगा कि अपने बच्चों को संभालें, स्टंटबाजी करते हैं। आपने महंगी महंगी बाइकें लेके दी हैं 2-2 लाख की, 2.5-2.5 लाख की, तो ये जाके रोडों पे स्टंटबाजी करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं और स्टंटबाजी से मना करें। शिवरात्रि के दौरान हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए SSP पुंछ रोहित बस्कोत्रा ने शिवखोड़ी का दौरा करके लिया जायजा, ओहदेदारान के साथ की मुलाकात, दी अहम हिदायत। तो सिक्योरिटी के इंतजाम जो होंगे पुंछ शहर से भी होंगे और रूट पे भी होंगे। इसमें हमारे साथ पुंछ वासियों से जो आग्रह रहेगा कि यहाँ पर चेकिंग है वहाँ चेकिंग में सहयोग दें, यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए कहा जाए वहाँ पार्किंग में लगाएं, क्योंकि तो रास्ते का देखते हुए गाड़ी के चलने में लोगों ने भी भरपूर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं चलना है। अगर लोग सिक्योरिटी इंतजाम का पालन करेंगे तो ये जो महापर्व है आराम से मनाया जाएगा, लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलूँ, जो बच्चे लेकर आएँ, बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए, बच्चों को माता पिता ना छोड़ें, महिलाएं अपनी क्यू में चलें, पुरुष अपनी क्यू में चलें, और यहाँ पर गाड़ी के लिए आपको बोला जाए उसी निर्धारित स्थान पर गाड़ी लगाएं, बीच में गाड़ी ना लगाएं। अगर महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी रियासी की शिवखोड़ी में 3 रोजा मेला जारी है, अकीदतमंद बड़ी तादाद में कर रहे हैं शिरकत। रियासी में BDC और पंचों सरपंचों ने किया इंतजामिया से बरहमी का इजहार, कहा मेले के दौरान उनको दावत नहीं दी गई। देखिए नाराजगी हमारी भोले शंकर से नहीं है कि उसी की देन उसी की वजह से ये चल रहा है जो सारा सिस्टम। भगवान से कोई नाराज नहीं हो सकता, ना ही भगवान अपने भक्त को नाराज होना देखना चाहते हैं। मेन मसला ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे जहाँ के सरपंचेस हैं और हमें इनवाइट नहीं किया और हमारे साथ अनदेखी हर टाइम की करते हैं, हर टाइम अनदेखी करते हैं, क्योंकि अब मेला जो चल रहा है ये शिवखोड़ी रियासी हमारी यो कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है, जहाँ के प्रीतन हम जितने भी लोग हैं जो PRS मेंबर हैं, इनका फर्ज था हम सबको बुलाना।
समाजी व सियासी कारकुन सुनील डिम्पल ने सुप्रीम कोर्ट से दफा 370 को बहाल करने का किया मुतालबा। कहा, ये छीन कर जम्मू कश्मीर के अवाम की पहचान छीनी गई है। वो 5 अगस्त 2019 को जो हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारी 200 साल पुरानी महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, डोगरों की रियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनावली पीर पंजाल पहाड़ियों की लद्दाखियों की ये खूबसूरत रियासत, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, 370 छीन लिया, हमारी पहचान आइडेंटिटी कल्चर वजूद तक बर्बाद कर दिया। आज हम अपनी शनाखत जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हमारी क्या पहचान है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये लद्दाख में 16 फरवरी से एक हफ्ता तक चलने वाला सकाफती वर्कशॉप का आगाज किया गया। मुकामी कल्चर को फरोग देने के सिलसिला में एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और LAHDC के इश्तराक से वर्कशॉप का किया गया एहतिमाम। लद्दाख से थोकमे जलसा जटक सुपिन जलसा दनकन इसे युली ओ ये लो युलु जन उपचुन स्कूल में डिग्री बो स्कूल जैसी थोकमो निन ते उन्हें समय ना डुबचेस लग 20 तारीख छुपा टेशी साफ़ा नता ले डिस्टे की थाकरिंग ना थाकरिंग काइनगाम करनाग में पुराने तालाब की खस्ता हालत, मुकामी शहरी ने किया बरहमी का इजहार, मुरम्मत का क्या मुतालबा। तजावजात महीम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर मनो अन अमल हो या रोड हो या कुछ भी हो उन सबको अच्छे से देख रेख करना। इससे पहले मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी भी था, उस समय भी मैंने बोला था आप लोगों को और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी बोला है। और देखिए जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए, मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो आई मीन मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं तंग किया जाएगा तो नहीं तंग किया जाएगा, रेस्ट अशोर्ड अबाउट दैट। मेरे पास जैसा मैंने भी कंफर्म किया था ऐसा कुछ नहीं सामने आया, तो जब तक डिटेल्स नहीं होगी तो मैं नहीं उसको कमेंट कर पाऊंगा। एंक्रोचमेंट या स्टेट लाइन प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, अब हम करेंगे, अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। जैसे DC बारामुल्ला सैयद सहरिश ज़हरा ने मंदिरों और मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा करके लिया जायजा, शिवरात्रि के इंतजाम को दी हतमी शक्ल। और भी डिपार्टमेंट्स होंगे।